एलटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं एलटी न्यूज खबरों का संसार। बड़ी जनपद की तहसील नवाबगंज की ग्राम पंचायत बरखन, जहां कोटेदार कर रहा है घटतौली, साथ में वसूल रहा है सरकारी उस योजना का पैसा जो सरकार ने कर रखी है फ्री। जनता में आक्रोश, परंतु कोटेदार की मजबूरी कहिए या स्वार्थ पूर्ति जिसके लिए कर रहा है वसूली। नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। हमने उनसे कहा था कि भाई अंत्योदय कार्ड पर पैसे भी ले रहे हैं, पैसे ले नहीं लेना चाहिए। दूसरी जगह हम लोगों को गल्ला दे रहे हैं, 4.5 किलो दे रहे हैं, और बाकी जो लोग कहते हैं तो उनसे कहते हैं कोई जो चाहे वो कर लेना चाहिए। उसके बाद में कोई हालत जाना है आपका? कहाँ के रहने वाले? तो ये गल्ले का क्या वो है, कोटेदार ने क्या कहा था आपसे? तीन मिनटों गल्ला दिया, बोले गल्ला है ही नहीं। क्या बोले? बोले गल्ला है ही नहीं है। तो कुछ आपसे कुछ और तो कुछ नहीं बोला? बोले अगले महीने में आएगा तब दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? आप कोटा लेने गई तो कोटेदार ने क्या कहा? कोटेदार ने कहा कि 15 किलो दिया, 7 मिनट है हमारे। कौन सा कार्ड है आपका? सफेद वाला। सफेद वाला है। कितने पैसे कितने लेते हैं? पैसे हमें ध्यान ना रही है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली? क्या कोटा दिया नहीं, क्या बात है? 5 किलो दिया, 4 मिनट थे। तो कौन सा कार्ड है आपका? पैसे कितने लेते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए ही लोट? हाँ, 10 रुपए। अच्छा, कितने लोग हैं सब टोटल? क्या है आपका, क्या है कोटे डालने का गल्ला नहीं दिया? आपकी नहीं मिला इस बार। कौन सा कार्ड है? क्या बोले? ये बोले कि तुम्हारा कार्ड कट गया। तो आपने पूछा नहीं क्यों कार्ड कट गया? पहले कभी मिला था? जब से बना तब से बराबर मिल गया बेटा। गल्ला लेने गए, क्या कह दिया तुमसे? गल्ला लेने गए थे तो गई थी, आपका कार्ड कट गया। तो कार्ड कट गया तो कहा नहीं, पहले कभी मिला था गल्ला आपको? हाँ, पहले मिलता था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफी। तो बरखन के रहने वाले? बरखन। तो क्या कोटे डाल से क्या बात हुई? अरे उसने अंगूठा भी गल्ला लगवा लिया और उनसे कहीं गल्ला नहीं मिलेगा। कौन सा गल्ला है आपका? कौन सा राशन कार्ड है? सफेद कार्ड है। तो कुछ और भी कुछ कहा था? इससे पहले आपको गल्ला मिला था? पहले मिला गल्ला। आप गए थे कोटेदार के, आपसे क्या कहा? एक महीना रुको। तो क्या कार्ड आपका कट गया, क्या हुआ? आपका कौन सा कार्ड है? मेरा कार्ड नहीं, पर्ची है। मैं लेने गया था तो उन्होंने कह दिया मिलेगा। क्या बोला था? मिलेगा। तो और कोई और भी कुछ बोला था? नहीं, और कुछ नहीं। गल्ला दिया नहीं। आपका क्या नाम है? आपका कार्ड कौन सा है? सफेद वाला कार्ड है। तो क्या नाम है आपका? कोटेदार ने रखा अपना तर्क कि राजनीति के चलते किया जा रहा है मुझे बदनाम। हकीकत आप ये है कि जिनका कागज कट गया है और फिर बाद में उनका बना है। नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। हमने मनरेगा वालों को फ्री दिया है और श्रम विभाग वालों को फ्री दिया है और उसके बाद में हमने अंत्योदय वालों को फ्री दिया है, पूरा गल्ला दिया है, मगर हमारे गांव में राजनीति चल रही है प्रधानी को लेकर। इसमें लोग कुछ मजा लेना चाह रहे हैं, कुछ पब्लिक को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं कि सारे लोगों को गल्ला आ गया है, जिनका राशन कार्ड कट गया है अभी बना है उनका भी गल्ला आ गया, जिनका उलट अभी चला है उनका भी गल्ला आ गया, ये लोग बहका रहे हैं। तो आप जो हो ये किसको दोषी ठहरा रहे हो? हम तो साहब उन लोगों को दोषी ठहरा है जिन लोगों ने आपसे शिकायत की है। जिनका राशन कार्ड बना है मार्च में, उनका गल्ला ही नहीं आया है। तो यहाँ तो पब्लिक कम से कम 85 लोगों का कहना यह है कि आप गल्ला देते ही नहीं हो और आप दबंगी के हिसाब से बांटते हो, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा भाई, हम तो 4-5 दिन बराबर लगातार घर घर जाके तक मशीन बाजी लोग जो बूढ़े ठेड़े होते हैं उनके घर जाके अंगूठा लगा लेते हैं और वो कह रहे गल्ला बांटते नहीं हो। हमसे ज्यादा गल्ला बांटने वाला तो इधर कोई है भी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद है। तो आपका भी कार्ड है? कौन सा कार्ड है? हमारा ये कार्ड है। तो इसमें क्या आपको गल्ला दिया गया था? गल्ला 5 किलो पर यूनिट पर। कितने पैसे लिए थे? पैसे के बारे में कितने पैसे लिए? हमसे 60 रुपए लिए थे। अच्छा, और बाकी कोई यहाँ और जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये क्या सच है या गलत है? गांव में राजनीति का माहौल चल रहा है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं, कुछ ऐसे झूठे भ्रम फैला रहे हैं कि मैं आपको गल्ला दिलाऊंगा दबंगई से। जैसे अब किसी के 4 मिनट आए घर में और उसके 2 बच्चों के आधार बने ही नहीं है और वो गल्ला 4 का मांगेगा, कोटेदार गल्ला कहाँ से देगा? क्योंकि उसके 2 चढ़े हुए, अभी 2 के ले जा
एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पुनः देखते रहे एलटीटी न्यूज खबरों का संसार। बरेली शहर में भी हर जगह दिख रहा कोटे पर भीड़ ही भीड़। कुछ जगह तो किया जा रहा सोशल डिस्टेंस का पालन और कुछ जगह नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस का पालन। साथ ही कुछ जगह तो लोगों ने नहीं लगा रखे है मास्क। क्या ये महामारी को फैलाना चाहते हैं या महामारी से बचना चाहते हैं? हमारे शहर के अधिकारियों को ये कोटेदारों को भी साथ में बताना चाहिए। पुनः एलटीटी न्यूज़ में पुनः स्वागत है आपका। बरेली शहर के सुभाष नगर क्षेत्र में कोटे की दुकान पर ये भीड़ देखी जा सकती है, जहां पर सोशल डिस्टेंस और मास्क दोनों ही नदारद हैं। कुछ लोगों ने लगा रखा है मास्क, परंतु अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाया। क्या महामारी इसी से रुक सकती है? सरकार और प्रशासन को इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। बरेली शहर से मनोज यादव की रिपोर्ट और शहर से कुमार आनंद की रिपोर्ट।